तो जैसा कि आप सभी ने सैंपल पेपर वन में किस तरीके से पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये आपने इसके प्रीवियस वीडियो में देख लिया था। इस वीडियो में पता नहीं क्या दिखेंगे दिखा हुआ यहाँ पे चैप्टर नंबर टू पॉलिनोमियल सैंपल पेपर टू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देख लेंगे। आइडिया मैंने बताया था एक क्वेश्चन एक मार्क्स में आएगा जिसका नंबर फिक्स नहीं है, कभी वन नंबर पे आ जाता है, कभी फोर नंबर पे, कभी फाइव नंबर पे आ जाता है, उसका नंबर फिक्स नहीं है। बट टू मार्क्स का नंबर फिक्स है, 27 नंबर पे आ जाता है। थ्री मार्क्स के 37 एंड 38 नंबर क्वेश्चन नंबर जो है वहां पर आ जाता है। तो पेपर टू मतलब पार्ट टू में आप सीखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं वन मार्क्स में क्वेश्चन क्या पूछा है, देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा है बोला है कि थ्री इज वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 50। ट्रू है या फॉल्स यहां पर बताना है, ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया है कि अगर ये जीरो है इसका, इसका मतलब ये वैल्यू अगर इसमें पुट किया जाए इस पॉलिनोमियल में तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो आ जाना चाहिए। ठीक है, थ्री इज वन ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल थ्री एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस 15। ट्रू है फॉल्स है, तो अगर ये थ्री की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं जैसे कि पी थ्री क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। थ्री यहाँ पुट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, x की जगह पे थ्री का स्क्वायर माइनस एट इंटू थ्री प्लस 15, थ्री का नाइन हो गया, एट थ्री जा 24 और प्लस 15, ये प्लस है और ये प्लस है, दोनों ऐड करेंगे तो 24 हो जा रहा है और यहाँ माइनस 24 है, जीरो आ गया। जीरो आ रहा है इसका मतलब ये थ्री जो है इस पॉलिनोमियल का जीरो है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप ट्रू लिख सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, 24 में से ये 15 माइनस कर देंगे तो माइनस 9 आ जाएगा और 9 माइनस 9 जीरो हो जाएगा, कैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बॉड मास ये कहता है, बॉड मास रूल्स ये कहता है कि पहले ब्रैकेट करो, फिर ऑफ करो, डिवाइड करो, मल्टीप्लीकेशन करो, एडिशन करो, फिर सब्ट्रैक्शन करो। ठीक है, बॉड मास बोलते हैं बॉड मास। ठीक है, बॉड मास बी ओ बी एम ए एस, बी से होता है ब्रैकेट, ओ से होता है ऑफ, डी से होता है डिवीजन, ठीक है, एम से होता है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, एंड ए से क्या होता है एडिशन, एन एस से सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये होता है। ठीक है, बॉड मास ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, नहीं ये पांचवा और ये छठा। ठीक है, ये रूल्स होता है। ठीक है, अभी यहां पर ध्यान देंगे ना कि पहले ये ऑफ का मतलब भी होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन जहां ऑफ लिखा है पहले उसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इस तरीके का होता है, बस ये थोड़ा सा शॉर्ट में, ये फिफ्थ स्टैंडर्ड से स्टार्ट हो जाता है, फिफ्थ स्टैंडर्ड से ही आना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट, ये वन मार्क्स का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब 27 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सैंपल पेपर का 27 नंबर का क्वेश्चन ये बोला है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। 27 नंबर पे एक क्वेश्चन पूछेगा, मैं सैंपल पेपर से ही करा रहा हूं, सैंपल पेपर से ही आपको आइडिया मिल जाएगा। फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एंड वेरीफाई द रिलेशन रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज
and the coefficient of the polynomial. कल भी ऐसे ही रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, जो पॉलिनोमियल था 37 एंड 38 नंबर का क्वेश्चन जो था सैंपल पेपर वन का, ऐसे ही सेम इसी तरीके का क्वेश्चन था, ठीक है। 37 एंड 38 नंबर का क्वेश्चन जो प्रीवियस वाले वीडियो में आपने देखा था, कल की क्लास में आपने देखा था, कल की क्लास में भी इसी तरीके का क्वेश्चन था। पहले क्या बोला था कि जो भी पॉलिनोमियल है वहां क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था, पॉलिनोमियल ही सीख लिखा है। इस पॉलिनोमियल का पहले तो जीरो फाइंड आउट करो और फिर बाद में रिलेशंस को वेरीफाई करो, किसके बीच का रिलेशन, उसके कोफिशिएंट और उसके जीरोज के, ठीक है, जीरोज जो आए हैं उनके कोफिशिएंट। तो आपका जीरोज फाइंड आउट करने के लिए, जीरो जो फाइंड आउट करना है उसके लिए आप देखेंगे तो कौन सा जीरोज है, पी एक्स क्या दिया हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, ठीक है। जब भी उसके जीरोज निकालने होते हैं तो ये जो वैल्यू होती है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो कर देना, ठीक है। यहाँ पे जो मिडिल टर्म होता है वो तो दिया ही नहीं है, तो स्प्लिटिंग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको इस तरफ करोगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू थ्री हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ सकती है, प्लस माइनस अंडर रूट थ्री हो सकता है ना, अंडर प्लस अंडर रूट थ्री का भी स्क्वायर करोगे तो थ्री आएगा और माइनस अंडर रूट थ्री का भी स्क्वायर करोगे तो थ्री ही आएगा, ठीक है, समझ में। इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा की वैल्यू रूट थ्री और बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री, और जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री है, तो ए कितना है वन है, बी कितना है जीरो है और सी कितना है माइनस थ्री है, क्योंकि एक्स वाला कोफिशियंट होता था ना, एक्स का कोफिशियंट बी होता था, यहाँ पे है ही नहीं एक्स, तो बी की वैल्यू क्या है जीरो। अब हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे, पहला क्या था सम ऑफ जीरोज, क्या होता था अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, बी की वैल्यू जीरो है मतलब पूरा जीरो आएगा, अल्फा की वैल्यू क्या है रूट थ्री और बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री, ये भी कट के क्या आ गया जीरो इक्वल टू जीरो वेरीफाइड, ठीक है, वेरीफाइड हो गया। अब दूसरा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात हो रही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, ध्यान से अगर यहाँ पर देखेंगे तो क्या आएगा अल्फा इंटू बीटा आएगा और यहाँ पे क्या होता है सी अपन ए, सी की वैल्यू कितनी है माइनस थ्री है और ए की वैल्यू वन है और यहाँ अल्फा की वैल्यू रूट थ्री और बीटा की वैल्यू माइनस रूट थ्री, तो यहाँ पर देखोगे तो रूट थ्री का करोगे तो थ्री आ गया और प्लस माइनस का माइनस और यहाँ पे भी माइनस थ्री, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया। रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो रूट के अंदर थ्री इंटू थ्री थ्री का स्क्वायर हो गया और थ्री का स्क्वायर और रूट एक साथ कैंसिल हो जाते हैं, बच जाता है सिर्फ थ्री, ठीक है, नहीं जीरो कहाँ आएगा, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यहाँ पे देखो माइनस थ्री आया यहाँ पे कैसे जीरो हो जाएगा, प्लस माइनस थोड़ी ना, ठीक है, रूट थ्री रूट का रूट के साथ मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, लेकिन सेम नंबर हो तब, ठीक है, डिफरेंट नंबर अगर होता है जैसे मान लो ऐसे दे दिया रूट टू इंटू रूट थ्री दे दिया तो ये क्या हो जाते हैं अंदर मल्टीप्लीकेशन हो जाते हैं, रूट लगाया टू थ्री या सिक्स हो जाता है। वैसे सेम ये भी था जैसे रूट थ्री इंटू रूट थ्री लिखते ना, रूट लगाते हैं थ्री और थ्री मल्टीप्लीकेशन कर लेते, तो यहाँ क्या हो रहा है थ्री का स्क्वायर हो रहा था तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल थ्री हो जाता था, समझ में, ये टेक्निक है, ये समझ में आ गया आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब 37 एंड 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसी तरीके से पॉलिनोमियल के क्वेश्चन आएंगे, कॉन्सेप्ट आपको इसी तरीके से करना है, यहां से ये शुरू किया यहां पे आके एंड हो गया, टू मार्क्स मिल गए, और सेम क्वेश्चंस आपको प्रीवियस वाले है, कल की आपने लेक्चर में देखा था सेम क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया था उसके जीरोज फाइंड आउट किए थे फैक्टराइजेशन मेथड से और जीरोज मिल गए थे, तो उसके बाद से हमने क्या कर लिया था जीरोज और कोफिशिएंट, दिस इज द कोफिशिएंट एंड दिस इज द जीरोज, इन दोनों के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना था, बोला ना वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, ओके समझ में आ गया, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं 37 एंड 38 नंबर का, ठीक है।
इस तरीके से आप पूरे चैप्टर को कर सकते हो, पूरे मतलब पेपर को, छह के छह पेपर को आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन रिवाइज करना इम्पोर्टेंट है, रिवाइज इम्पोर्टेंट है कि आपने पहले चैप्टर से कर लिया है। एलसीएफ निकालना, ठीक है, एलसीएफ निकालना, चाहे वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हो, चाहे एलसीएफ निकालने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम मेथड हो, ठीक है, इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। या तो एक और टेक्निक मैंने बताया था कि एलसीएफ और एलसीएम का रिलेशंस वाले फॉर्मूला, रिलेशन वाला फॉर्मूला, एलसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये भी मैंने कॉन्सेप्ट, यही कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर वन में है, आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। चलिए 37 और 38 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ऐसे क्वेश्चन आएगा ना तो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं, इसीलिए मैं ये सिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पार्ट वन में कल के लेक्चर में ये ऐसा क्वेश्चन नहीं था, लेकिन यहाँ पर है क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं लिख लेता हूँ, ठीक है, ये वाला आ रहा है ना, चलो ठीक है आ रहा है। बोला है कि वेरीफाई दैट 1, 3 and 4 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल पी एक्स, क्या दिया हुआ है, एक्स क्यू माइनस 8x² + 19x - 12, इस तरीके का दिया है 19x - 12, and then verify the relation between zeros and the coefficient of polynomial, ये क्वेश्चन है, ठीक है, polynomials नहीं है, polynomial है, ओके, एक ही polynomial दिया ना, इस तरीके का क्वेश्चन दिया है, ये किस तरीके का है, क्यूबिक polynomial है, उसके जीरोज ऑलरेडी पहले दिए हुए हैं, बट वो जीरोज के लिए भी क्या कह रहा है, वेरीफाई करो कि है कि नहीं है जीरोज, तो कैसे वेरीफाई होगा, ऑलरेडी मैं बता दिया, अभी पहला क्वेश्चन इसका मैंने वही कराया था जिसमें लिखा था 3 is a zero ऑफ द पॉलिनोमियल, तो कैसे उसको हमने ट्रू किया था, वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल में पुट किया था और सोल्यूशन जीरो आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो उसका जीरोज है, ठीक है, वो उसके, तो यहाँ पर 3 zeros दिए हैं, ऑब्वियसली हमको पता भी है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होते हैं, 3 zeros होते हैं, तो 3 zeros यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, 1, 3 and 4 प्लस में ये वैल्यू ना, हाँ 1, 3, 4 सभी प्लस में वैल्यू है, ये इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है, और इसको पहले वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, हम सभी के वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, पहले आप यहाँ पर सोल्यूशन में क्या लिखोगे, पी एक्स लिख लोगे, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल, पी से पॉलिनोमियल, और ये किस फॉर्म में है, एक्स के फॉर्म में है, इसलिए पी एक्स लिखते हैं, अगर वो टी के फॉर्म में होता तो पी टी लिखते हैं, बी के फॉर्म में होता तो पी बी लिखते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यू माइनस 8x² + 19x - 12, ये दिया हुआ है, अब वेरीफाई करेंगे, पहला क्या वेरीफाई करेंगे, पी वन, वन दिया ना, एक्स की जगह पर वन रख रहे हैं, तो जहां जहां एक्स है वहां रख दो वन, वन का क्यूब माइनस 8, 1² + 19, 1 - 12, वन का क्यूब वन होगा, 8 - 1 = 8, यहाँ पे +19 या -12, प्लस वाला ये और ये है, ये प्लस में है तो 20 हो गया, ये माइनस माइनस वाले को ऐड कर देंगे तो भी 20 आ गया क्या, जीरो, यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, ये हो गया पहला, एक वेरीफाइड हो गया, दूसरा करेंगे, क्या दिया है दूसरा, 3 दिया है, पी 3 निकालेंगे, ठीक है, क्या निकालेंगे, पी 3 निकालेंगे, नहीं बार बार लिखने की जरूरत नहीं, एक बार आपने लिख दिया तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, 1 और 19 ये दोनों प्लस में थे ना, एक साथ उसको ऐड कर दिया 20 आ गया,
और माइनस वाले को एक साथ ऐड करके माइनस में लिख दिया 20, तो 20 माइनस 20 जीरो। जब यहाँ पे समझा रहा हूं तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दिया करो, बुक में सिर्फ लिखते रहोगे यहाँ क्या समझाया पता नहीं चलेगा, फिर बाद में पूछोगे, तो यहाँ पर ध्यान देंगे ठीक है। अब P3 रखेंगे मतलब x की जगह पर 3 रखा, तो 3 का क्यूब माइनस 8 3 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 3 माइनस 12, 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा, या 3 का स्क्वायर 9 9 8 जा 72 और प्लस 19 3 का कितना होता है 57, जिसको टेबल नहीं याद होगा वो लेकर बैठेगा मल्टीप्लीकेशन करेगा, ऐसे करेगा 19 इंटू 3 करेगा, तो उसका टाइम क्या होगा वेस्ट होगा, फालतू का क्या होगा वेस्ट होगा, इसीलिए मैं बोला कि टेबल 20 तक लर्न करके रखो। 57 हुआ उसके बाद से माइनस 12, अब इसमें प्लस कौन सा है ये और ये है ठीक है, इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो देखो 7 इसमें ऐड करोगे तो 64 हो जाएगा, और 64 और ये 20 ऐड करेंगे तो 84 हो गया, 84 हुआ, और ये दोनों माइनस है इन दोनों को भी जोड़ोगे तो माइनस 84 आ रहा है, तो इक्वल टू जीरो हो गया, यहाँ पे भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया ठीक है। जहां पर जीरो ना आए तो समझ लेना कि वो उसका पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन खास करके देखो ऐसी क्वेश्चन जब भी पूछेगा ना तो वो होंगे ही होंगे, क्योंकि हमें आगे जाके वेरीफाई रिलेशन भी इनके जीरोज के वेरीफाई करना है, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तीन जीरो चाहिए भी क्यूबिक के लिए, तीन अल्फा बीटा गामा चाहिए भी, और तीन दिया भी है ठीक है। कई बार हो सकता है ना क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है, इसके जगह तीन के जगह चार दे दिया, तो चार जीरो तो होते नहीं है, लेकिन ये कंडीशन से पता चलेगा कि उन चारों में से कौन तीन राइट है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, प्रोबेबिलिटी है ऐसे क्वेश्चन पूछने की, तो चार में से तीन तो हमारे होंगे, तीन से ज्यादा होगा नहीं और तीन से कम भी नहीं होगा, तीन तो चाहिए ही ठीक है। तो उन चारों को ऐसे रख के पुट करोगे, जिसका जीरो आ जाएगा उसका समझ लेना कि वही तीन है, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए चार भी दे सकता है। तो ये 3 हो गया, उसके बाद से एक और है वेरीफाई कर लेते हैं P4, तो 4 का क्यूब फिर माइनस 8 4 का स्क्वायर फिर प्लस 19 इंटू 4 और माइनस 12, 4 का क्यूब कितना होता है 64, 4 का स्क्वायर 16 और 16 8 जा कितना होता है कौन बताएगा, 16 8 जा कोई बता सकता है 128 होता है, और 19 4 जा 76, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे प्लस ये दोनों हैं, इन दोनों को ऐड करोगे तो 6 और 4 10 0 1 है और 76 13 1 14, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 4 2 8 0 1 2 3 1 4 140 140 माइनस 140 0, ये भी क्या हो गया वेरीफाइड हो गया, ये काम हो गया। अब ये हमारे पता चल गया कि 1 3 एंड 4 इज जीरोज ऑफ पी एक्स, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, पी एक्स यहाँ पे था उस पी एक्स का ये जीरोज है ठीक है। तो इसका नाम दे देते हैं एक अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 3 एंड गामा इक्वल टू 4, नाम रख दिए हैं ये जीरोज की, जैसे कि दो थे तो उसमें अल्फा बीटा नाम रखे हैं, इसमें तीन है तो अल्फा बीटा गामा नाम रख दिए ठीक है। नहीं इसमें फाइंड आउट नहीं है, इसमें ऑलरेडी दिया है ठीक है, फाइंड आउट करने के लिए इसमें पूछेगा नहीं, क्यूबिक का नहीं पूछेगा, लेकिन अगर पूछ लिया तो उसके ऊपर भी मैं बता दूंगा कि कैसे निकालोगे। ये नाइन्थ में हमने पढ़ लिया था कि अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है, वो डिवाइड वाला मेथड होता था। एक हम नंबर मान लेते थे कोई भी नंबर x की कोई भी माइनस वन वन मान लेंगे और इसमें पुट करेंगे, जैसे x का वन वैल्यू है ना तो x इक्वल टू वन है ये, तो वन पुट कर रहे थे जीरो आ रहा, मतलब x इक्वल टू वन इसका क्या है एक जीरो है, तो उसको क्या कर लेते थे ऐसे x इक्वल टू वन है तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना x माइनस वन, ये एक फैक्टर हो गया, इसका एक फैक्टर हो गया ना, तो इस फैक्टर को इससे डिवाइड करते थे तो एक उसका क्वोशेंट आता था, क्वोशेंट आता था ना, तो हमको पता है ना कि क्या होता था क्वोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड होता है, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, जीरो ही आ जाता है, तो कोसेंट इनटू ये डिवाइजर इक्वल टू डिविडेंड, और डिविडेंड ये था, तो दो फैक्टर आ गए ना ठीक है, लेकिन एक क्वाड्रेटिक में आएगा तो उसको भी क्वाड्रेटिक को जैसे करते थे क्वाड्रेटिक को करोगे तो दो और आ जाएंगे तो तीन मिल जाएंगे आराम से हो जाएगा,
नहीं समझ में कभी इसके ऊपर बना देंगे, अभी इसको समझो, ठीक है, इसको समझो, ये दोनों मिल गए, अब ए बी सी डी इससे मिल जाएगा, ए क्या होगा, वन एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट होता है ए होता है, बी क्या है, इसका कोएफिशिएंट क्या है, माइनस एट है, सी क्या है, इसका प्लस 19, और डी क्या है, माइनस 12, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से रखना, ये वाला पार्ट दिख रहा है क्या, ये वाला पार्ट कितना आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, कितना आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, चलिए कोई बात नहीं, इतना काफी है, ध्यान से समझिएगा, क्या होता था पहला, सम ऑफ जीरोज ना, कंडीशन यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर लिख देना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्या होता था, माइनस बी अपॉन ए, यहाँ पे तीनों को ऐड करोगे, देखो 1 3 4 है ना, अल्फा बीटा गामा, तो 1 प्लस 3 प्लस 4, और यहाँ पे माइनस बी क्या है, बी क्या है, माइनस 8 अपॉन ए क्या है, 1, अरे ये माइनस था और -8, वैल्यू तो बी की वैल्यू -8 है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस होता ही है, और ए की वैल्यू 1 है, इनको जोड़ोगे तो 8 आ गया, और ये भी -8 हो गया, ये वेरीफाइड हो गए, रिलेशन वेरीफाइड हो गया, जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन एक हो गया, दूसरा ये पहला वेरीफाइड हो गया, दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए, सी अपॉन ए, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1 इंटू 3 3 हो गया, बीटा इंटू गामा मतलब 3 इंटू 4 12 हो गया, और गामा इंटू अल्फा 4 इंटू 1 4 हो गया, यहाँ देखोगे तो समझ में आएगा, सी कितना है 19 अपन ए मतलब 1 19 अपन 1, इनको भी ऐड करोगे तो 19 आ रहा है, और ये भी 19 हो गया, वेरीफाइड, समझ में आया, वेरीफाइड हो गया। तीसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गैमा इक्वल टू क्या है, माइनस डी अपन ए होता है, बता चुका हूँ कल के भी पॉइंट में मैंने बताया था, तो अल्फा बीटो गामा इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 3 3 और 3 इंटू 4 12, ये 12 आ गया, और माइनस डी की वैल्यू कितनी है, -12 अपॉन 1, तो माइनस माइनस कैंसल, ये 12 इक्वल टू 12, ये वेरीफाइड हो गया, इस तरीके से करोगे, ठीक है, आप अपने ऊपर पहले इसको, फिर इसको, और फिर उसके नीचे ये वेरीफाइड कर दोगे, इस तरीके से आपको ये 3 मार्क्स मिल गए। एक्चुअली क्या है इसमें ना, ये दोनों सम में आ जाते हैं, प्रोडक्ट भी इसमें शामिल है, क्योंकि 3 जीरोज है, तो ये 3 कंडीशन है, तो यहाँ पे लिखना मत सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो, डायरेक्ट ये इनके रिलेशन को वेरीफाई कर देना, ठीक है, समझ में आ गया ये पॉइंट। और इसी तरीके से आगे के भी पेपर में क्वेश्चन पूछे गए, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे आराम से आ जाएगा, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो देखो 3 मार्क्स में इस तरीके से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है 38 नंबर का, कल जो हमने किया था सेम वैसे ही, कल जो किया था सेम उसी की तरह है, पहले जीरोज को फाइंड करो, फिर बाद में उनके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशंस फाइंड आउट करके बताओ, पहले जीरोज फाइंड आउट करो क्वाड्रेटिक के, और जब जीरोज मिल जाते हैं, जैसे जीरोज आपको मिल जाते हैं, तो क्या करना है, वो जीरोज और उनके कोएफिशिएंट के बीच में, कोएफिशिएंट के बीच में क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है, ठीक है, वेरीफाई करना है। तो 38 नंबर का क्वेश्चंस देखें, 38 नंबर का क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, 38 नंबर का क्वेश्चन, चलिए यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, 38 नंबर का क्वेश्चन जो दिया है वो लिख रहा हूं मैं, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 12 दिया है, ठीक है, +12 एंड वेरीफाई द रिलेशन सी बिटवीन जीरोज एंड द
पॉलिनोमियल। अभी तो क्वेश्चंस भी याद हो जाते हैं, ठीक है, इतनी बार क्वेश्चन लिखता हूँ ना क्वेश्चन भी याद हो जाते हैं, बस ये मुझे लिखने की जरूरत होती है, बाकी तो क्वेश्चंस भी ऐसे याद हो जाते हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड पॉलिनोमियल, ठीक है। ये इस तरीके का क्वेश्चन होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपका पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व, इसका क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज मेथड से यूज करके इनके जीरो फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, देखो यहाँ वन इंटू ट्वेल्व ट्वेल्व है, ट्वेल्व को दो ऐसे पार्ट में करो जिनका मल्टीप्लीकेशन ट्वेल्व हो और एडिशन क्या हो, सेवन हो। तो थ्री इंटू फोर, थ्री फोर या ट्वेल्व एंड थ्री फोर सेवन होते हैं। यहाँ पे होंगे एक्स स्क्वायर, एडिशन करते हैं तो साइन जो यहाँ पे रहेगा वही सेम रहेगा। सर ये पता कैसे चलेगा कि बीच फैक्टर का लेने का, इसको देखो। हाँ मैं बता देता हूँ कैसे पता चलेगा, यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन बहुत बढ़िया वैलिड क्वेश्चन है। देखो ट्वेल्व को क्या कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं, वन इंटू ट्वेल्व हो सकता है, टू इंटू सिक्स भी होता है ट्वेल्व, थ्री इंटू फोर होता है, फोर इंटू थ्री भी होता है, फिर बाद में टू इंटू सिक्स और सिक्स इंटू टू, ठीक है, और कोई नंबर नहीं है। अभी नहीं, तीन इनके फैक्टर तीन ही हो रहे हैं। अब इन तीनों में से चेक कर लेगा कि किनका एडिशन, यहाँ प्लस हो तो एडिशन पे आएगा, यहाँ माइनस हो तो सब्ट्रैक्शन पे चेक करने का। ये तीन है, वन ट्वेल्व में से वन अगर ऐड कर रहे हो, ट्वेल्व और वन ऐड करो थर्टीन आ जाती है, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे क्रॉस हो गया। टू और सिक्स को प्लस कर रहे तो एट आ रहा है, यहाँ तो सेवन है, ये भी क्रॉस हो गया। थ्री और फोर को कर रहे हो तो यहाँ पे सेवन आ रहा है, इसका मतलब ये वाला हम लेके चलेंगे, समझ में आया। इस तरीके से उसके जितने फैक्टर होते हैं ना वो निकाल लेना, कि अगर नहीं पता चलता हो, जो बार बार प्रैक्टिस किया है ना, ये वाले क्वेश्चन ना एट स्टैंडर्ड से आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपको देख के पता चल जाएगा कि ये फैक्टर होगा, ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो प्रैक्टिस नहीं किया रहता है ज्यादा क्वेश्चन को, मैं यहाँ पर ये पॉलिनोमियल को लेकर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जितना करेंगे उतना ही हमें याद होते जाता है। अभी मैंने दो बार लिखा क्वेश्चन ही याद हो गया, क्यों याद हो जा रहा है, क्योंकि उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं, बार बार रिपीट करने में क्या होता है, दिमाग में बैठ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, थ्री एक्स माइनस फोर एक्स, जब एडिशन करते हैं तो जो साइन रहेगा वो दोनों में सेम साइन रहेगा, और यहाँ पर प्लस ट्वेल्व है। अब इनको देख लो, स्प्लिट अप कर दिए तो इन दोनों में करोगे तो एक्स कॉमन, यहाँ एक्स बचा, यहाँ माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस फोर कॉमन गया तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे माइनस थ्री, एक बार एक्स माइनस थ्री, एक बार एक्स माइनस फोर। कुछ लोग हैं जो मेरे से पहले कर ले रहे हैं तो उनको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है, तो ऐसा भी कर लेना, एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस फोर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर थ्री आ जाएगी और यहाँ पर एक्स की वैल्यू फोर आ जाएगा। एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, मतलब एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स माइनस फोर इक्वल टू जीरो, इट मीन्स एक्स इक्वल टू फोर। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, थ्री, और बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, फोर। अल्फा और बीटा मिल गया, और उसके बाद से आपने क्या वेरीफाई करने के लिए, ए निकाल लेना वन आ जाएगा, बी तुम्हारा माइनस सेवन और सी तुम्हारा ट्वेल्व। अब वेरीफाई करेंगे, पहला क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपन ए। अल्फा बीटा क्या है, थ्री प्लस फोर, थ्री प्लस फोर सेवन होगा, और यहाँ माइनस बी की वैल्यू कितना दिया है, माइनस सेवन, ए की वैल्यू वन है, यहाँ पे भी सेवन हो रहा है, माइनस माइनस प्लस हो गया, सेवन आ गया, वेरीफाइड आराम से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है, आसान है कि नहीं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपन ए, अल्फा बीटा मतलब थ्री इंटू फोर, और सी की वैल्यू दिया है ट्वेल्व, और ये वन हो गया, यहाँ पे भी ट्वेल्व, यहाँ पे भी ट्वेल्व, ये क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से तो करना है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 27 मार्क्स, 27 नंबर के क्वेश्चन पे भी पूछ रहा है, और 37 या 38 में से एक क्वेश्चन पूछेगा, खास करके दो क्वेश्चन तो फिक्स है, एक दो मार्क्स के और एक थ्री मार्क्स के, फाइव मार्क्स तो ऐसे मिल रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी आपको याद रहने वाले हैं। एक क्वेश्चन से अगर हो जाता तो फिर उसके बाद से तो अभी तक सब याद रहता। ये कैसे पता चलेगा कि लास्ट वाला टर्म स्प्लिट करने के बीच वाला, हमेशा एक्स वाले का ही स्प्लिट किया जाएगा, कहाँ ट्वेल्व को किया है, ये स्प्लिट इसको किया है, लेकिन स्प्लिट करने के टेक्निक है ये, इनका मल्टीप्लीकेशन को स्प्लिट किया जाता है, जिनका मल्टीप्लीकेशन ये 12 भी आना चाहिए, देखो यहाँ 1 इंटू 12 12 हुआ, 12 को ही ऐसे करें कि मल्टीप्लीकेशन वो आए
और इनका स्प्लिटअप भी सेम रहे, ठीक है, ये कंडीशन है। वेरीफाई में 7-7 आ रहा है तो ठीक है, और यहाँ पे 12-12 आएगा तो ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पेपर नंबर 2 क्या हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया, समाप्त हो गया।